हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। सुन पा रहा हूँ दोबारा बोलना आपने क्या बोला? सर ठीक है सर, मैं क्रेडिट कार्ड यूज करंट पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया था। गाड़ी से क्रेडिट कार्ड का आपने? मैडम पेमेंट अभी हो नहीं पाएगी, अभी जो है ना फंड इश्यू चल रहा है, पैसों का व्यवस्था कर रहे हैं पैसों की। सर देखिए आप डिले हो चुके हैं ना, अगर थोड़ा अमाउंट नहीं हो रहा तो काम कीजिए ना, आपका 2 लाख रुपए का काम कीजिए, 14,990 रुपए कर दीजिए। मैडम वही तो कह रहा हूँ, मैडम मैं वही तो कह रहा हूँ, पैसों का अभी अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा है, मैं अरेंज करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सर देखिए आपने जब कार्ड यूज किया तो बैंक ने आपको सर देखिए 20 ईयर्स का टाइम दिया था, 20 ईयर्स के बाद सर 10 डेज आपने ले लिया सर, पूरे 1 मंथ हो गए। एक काम कीजिए सर, आप मिनिमम पे कीजिए, आपकी जो पेनल्टी लगी है सर एक्स्ट्रा। मैडम 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 मेरे को सब पता है लेकिन अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा, मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ आपसे। सर कैसे अरेंज कर रहे हैं, तो पूरे 1 महीने में पेमेंट आपकी अरेंज नहीं पा रही है, बोलिए। मैडम क्यों अरेंज कर, अरेंज का एक दिन में हो जाता है सर? पूरे 1 महीने होगा सर, तब तो होना चाहिए ना, एक दिन में नहीं हो तो मैं समझ सकती हूँ, पूरे 1 महीने होगा तब तो होना चाहिए ना सर। मैडम अभी 2 महीने और लगेंगे, मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ अरेंज करने की। सर नहीं हो पाएगा सर, किस तरह कोशिश कर रहे हैं आप? तो मैडम आप मेरे को फिर क्या मतलब, अगर मैं नहीं कर पाया पैसे जमा तो आप क्या होगा? सर देखिए आपको पता ना, 2 मंथ का मिल जाएगा कार्ड आपका ब्लॉक हो जाएगा, 2 मंथ के चार्ज लग जाएंगे आपको, आपका सिविल इम्पैक्ट होगा, आपके घर सिविल छूट जाएंगे, अच्छा लगेगा आपको, बताइए आप मुझे। मैडम क्या करूँ, है ही नहीं, मैं अरेंजमेंट पूरी 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 कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास ऑप्शन है ना सर, कार्ड आपका अंडर लिमिट है, आप 14,990 रुपए कीजिए। मैडम ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है 99% केसों में, बंदा एक कार्ड की पेमेंट करने के लिए दूसरे कार्ड से लेता है, दूसरे कार्ड की तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांच में। सर आपकी इतनी अच्छी सिविल है, आपका मार्केट में कोई फैन फॉलोइंग तो होगी ना सर, की आप 14,990 पैसे अरेंज कर लें, उसके बाद 1 घंटे के लिए पैसे अरेंज, आधे घंटे के लिए पेमेंट करने के बाद आधे घंटे आप कार्ड यूज कर लीजिए सर। मैडम 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 2,000 रुपए हम ड्रॉप करा देंगे। मैडम आप जो मेरे को बता रही हो उसकी नॉलेज मेरे को है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अरेंज करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो सर आप कीजिए ना अरेंज, आप कीजिए अरेंज, फिर 1 महीने होगा सर, किस तरह आप अरेंज हुआ नहीं बता करेंगे? तो मैडम पैसे एकदम अरेंज हो जाते हैं, पेड़ पे लगेंगे एकदम तोड़ लूं? अमित जी 1 महीने हो गए ना, मैंने कब बोला कि अभी तुरंत हो जाएगा पेड़ पे लगे, मैंने ऐसा बोला पेड़ के लगे तो नहीं, आप कह रहे हैं अरेंज कीजिए अरेंज कीजिए, हमने कॉल किया गया ना तो सर पूरे 1 महीने हो गए ना सर, मैडम 1 महीने कार्ड यूज किया ना आपको। मैडम मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप एक काम करो, आप इस पे आरटीपी डाल दो और फंड इश्यू लिख दो। आरटीपी नहीं डाल सकती सर, आप पेमेंट करवाइए। मैडम जब नहीं है तो कहाँ से भरवा दूँ, अब किडनी बेच दूँ क्या? नहीं है तो अरेंज किया सर, अभी भी अरेंज किया, अरेंज 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 कैसे करूँ, अरेंज कैसे करूँ सर? 1 महीने आप कैसे अरेंज करते बताइए आप मुझे, मेरे बाप बताइए ना कैसे अरेंज करूँ? तो वो दो ना सर, आप दो सर देखिए, 2-3 लाख की लिमिट है सर आपकी, आपको मार्केट में इतना फाइन इतनी अच्छी लिमिट होगी फाइन खोलेंगे सर, कैसा नहीं है ना, आप किसी से बोलेंगे 14,000-15,000 आपको कोई दे दे तो दे देंगे सर, आधे घंटे। मैडम मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, एक से लो दूसरे से लो तीसरे से लो और उसके कर्जदार बन जाओ। सर अमित जी अगर टेंशन ही नहीं बना रहे हैं मैडम, आप मैडम 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 सुन तो लो, मैं वही तो कह रहा हूँ, बंदा देने के लिए एक से लेता है, दूसरे से देता है, तीसरे से देता है और कर्जदार बन जाता है। सर ऐसे कैसे बन जाएंगे, मैंने क्या बोला, आप पेमेंट दीजिए कार्ड यूज कीजिए ना सर, कार्ड आपका अनब्लॉक हो जाएगा, अनब्लॉक है सर अभी। मैडम उसको ऐसे ही ऐसा ही रहने दीजिए, उसको 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 ऐसा ही रहने दीजिए, और क्या कहते हैं आप आरटीपी डाल दो और इसमें फंड इश्यू लिख दो। रवि जी आप इंटेंशन बना रहे हैं इसका मतलब है ना, पैसा भी आप पे करना ही नहीं चाह रहे आप, हमने 2 लाख पे करने के लिए बोला क्या आपको, जो 2,99,000 पे करते हैं आप, ऐसा बोला क्या हमने? मैडम एक बात बताइए, रिकवरी वालों की मत चुल होती है क्या सभी, मतलब एक बार अगर उनको समझा दिया प्यार से समझ क्यों नहीं आता सर? अभी
अभी आपको पता नहीं है सर, रिकवरी में केस गया नहीं, आपको रिकवरी वाले कैसे बात करते हैं फिर आपको वैसे लेगा सर। अच्छा तो कहाँ पर केस गई है, कहाँ पर? कलेक्शन डिपार्ट में है क्या? नहीं, कलेक्शन से बाहर निकाल लीजिए, कलेक्शन से बाहर निकाल लीजिए कार्ड। आपका ये कलेक्शन डिपार्टमेंट में है क्या केस? मतलब ये केस जो है कलेक्शन डिपार्टमेंट में है क्या जी? तो अभी कोई बात नहीं मैडम, आरटीपी डाल दो, फंड इश्यू लिख दो, अभी अरेंज करने में 1-2 महीने का समय लगेगा। सर मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा, पेमेंट कीजिए। मैडम आप जो है ना, कान से टीएल का डंडा निकालो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छा मैं समझू सर, आप जो बैंक का पैसा यूज करके बैठे उसका क्या होगा? मैडम आप एक काम करो, मैंने बैंक का पैसा यूज किया है, आपको ये तो पता होगा ये इनसिक्योर लोन है। इनसिक्योर लोन का मतलब थोड़ी है सर कि पेमेंट आप आपको नहीं। आप एक काम करो, आप कुछ भी कर लो, मैं पैसे नहीं दे रहा, अब मैं पैसे दे ही नहीं रहा आपको। हाँ, तो पता होगा ये बोलने सर कि आपका इंटेंशन इशू है, इंटेंशन इशू है। आप मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा दो, आप ये बोलिए ना आपका इंटेंशन इशू है। आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा दो। इंटेंशन इशू तो पेमेंट करना ही नहीं है सर। नहीं है, नहीं नहीं है, खा के बैठने की आदत है, आप मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा दो। रवि कुमार तो बहाने क्यों मार रहे थे आप? क्यों क्यों इतनी देर से समझा रहा था, समझ में आ रही थी आपको? आपने क्या समझा? आपका जो टीएल का डंडा लगा है ना पीछे, आपके जो टीएल का डंडा रखा है ना पीछे आपको समझने नहीं दे रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो टीएल का डंडा पीछे रखा है ना वो समझने नहीं दे रहा। मैं आपको कह रहा हूँ कोई फंड इश्यू चल रहा है फंड, लेकिन नहीं समझ में थोड़ी आएगा आपको। पेमेंट कर दो क्या करूँ, किडनी बेच दू क्या करूँ, किडनी बेच दू? 14,000 रुपए नहीं हो रहे आपसे? मैं आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, 3 लाख रुपए सर, 3 लाख रुपए यूज किया है आपने और आपको सर चलो मतलब करने में दिक्कत हो रही है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, आपको समझ में थोड़ी आ रही है। रवि जी अगर देखिए 3 लाख यूज किया है ना, थोड़ा सा पे करने की हिम्मत रखिए सर, ऐसे किसी से बात मत सुनिए। आप मेरे को फांसी करवा दो, फिर जेल भिजवा दो, मैंने यूज कर लिया तो। क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ आप मुझे जो है ना फांसी के फंदे पे चढ़वा दो। मतलब इनसिक्योर लोन है, आप कुछ भी करेंगे राइट? हाँ मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा, जो चाहे वो खा लो, मैं नहीं दे रहा, आप जो चाहे वो खा लो, साफ साफ बोल दो। ऐसा बोलिए, आपका इंटेंशन नहीं है, कार यूज कर लिए बैठ गए, इनसिक्योर लोन है, क्या करेगी बैंक? हाँ बैंक जो चाहे वो कर ले, मैं नहीं दे रहा। हेलो रवि जी, देखिए रवि जी मेरी बात सुनिए सर, अब रवि जी समझने के हालत में नहीं है। रवि जी ने कह दिया मैं नहीं कर रहा, जो चाहे वो काट लो। क्यों वही तो बोलो सर, आप इतना इंटेंशन बनाकर क्यों बैठा है? खाके बैठने की आदत हो गई है, खाके बैठने की आदत हो गई है ना आपने, खाके बैठने की आदत हो गई है ना आपने? क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ खाके बैठने की आदत हो गई है सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर, क्योंकि सर देखिए 2-3 लाख रुपए यूज किया कि उसका तो सोचिए सर। मैडम टीएल का ज्यादा प्रेशर है क्या? मांगा क्या मैडम, टीएल का ज्यादा प्रेशर है क्या? आपको देख के बोला सर, आपको देख के बोला कि आप 2 लाख नहीं पे कर पाएंगे 3 लाख, किसी को टीएल का ज्यादा प्रेशर है क्या? टीएल का ज्यादा प्रेशर है क्या सर? हमारे प्रेशर तो छोड़िए, अपने प्रेशर को सोचिए सर, आप अपने प्रेशर को सोचिए। मैडम मैं कह रहा हूँ टीएल ज्यादा दर्द दे रहा है आपको। क्या होता है बताए आपको? आपको पता पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ क्या होता है? अरे मेरे को तो पता देखिए, आप प्रेशर आने वाला वो देखिए, आप ये मत देखिए हम पे क्या प्रेशर है। मैडम दिक्कत हो रही है आपको? मैडम मैं आपसे बहुत बहुत प्यार से आपसे मैं कह रहा हूँ, अभी फंड इश्यू चल रहा है, थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 1-2 महीने का समय भी लगे। ऐसा कौन सा फंड इश्यू है जो पूरे 1 महीने पुरानी हो रहा है आपका? आपने दिमाग का भांग भांग आपने दिमाग का भांग भरोसा कर दिया। एटलीस्ट अपना सिविल का भरोसा कर दिया
वही बात ना सर, आपको वही तो सिविल है, घर में दे दिया बैठ गया है। इनसे क्यों लोन है बैंक क्या है ना, बैंक क्या कर लेगी है ना। तो ये मैं पूछ रही हूं सर, बैंक का 2-3 लाख रुपए है सर, पता है अगर बैंक का 3 लाख रुपए फंसा होता है ना सर, तो बैंक को निकलवाना भी आता है। बैंक मेरा एक बाल उखाड़ के दिखा दे सर का। सॉरी क्या बोला आपने? कह रहा हूँ बैंक मेरा एक सिर का बाल उखाड़ के दिखा दे। जिस सिविल से पैसा खा के बैठे है ना सर, अगर वही सिविल नहीं रहेगा क्या करेंगे आप? सिविल तो सिविल मेरा नहीं है ना, तो मेरे भाई के सिविल से ले लूंगा। क्यों, भाई का सिविल तो है ना, मैं कह रहा हूँ सिविल मेरा ही तो खराब होगा, भाई तो है, भाई के सिविल से ले लूंगा। आपका सिविल खराब होगा मतलब दोनों भाई मिल बांट के यही करते हो क्या? हाँ यही करते हैं। उसका सिविल खराब होगा तो मैं ले लूंगा। और क्या, और अरे मेरे तो टीम मेंबर्स हैं, उन सबके सिविल ठीक है, मैं उनसे ले लूंगा, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सर बहुत सही बोला सर, अभी भी आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है ना मैडम, पूरी प्लानिंग है, पूरी 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 प्लानिंग है। जब घर आएंगे आसपास इंसर्ट होगी तब पता चलेगा आपको। मैडम ऐसा है मुझे पता है, इनसिक्योर लोन है, कोई मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकता। अच्छा आपको ये पता, इनसिक्योर लोन को बाल नहीं उखाड़ सकता, ये मत सोचिए, बैंक का 3 लाख रुपए है सर। बैंक का 3 लाख, मेरा साथी 5 लाख का डिफॉल्ट करके बैठा है। पे करना है तो बताइए। मेरा साथी अरे सुन तो लो बेबी सुन तो लो, मेरा साथी 5 लाख का डिफॉल्ट करके बैठा है, मेरे साथी का साथी 10 लाख का डिफॉल्ट करके बैठा है, हमारी पूरी टीम है। आपको भी जुड़ना है क्या हमारी टीम में? आपको भी बताते हैं कैसे डिफॉल्ट करते हैं। कहाँ गई मैडम? हेलो मैडम फोन अपनी तरफ से कट कर दो, मैं नहीं करूंगा कट। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।